प्यारा बारो अचो तो कहानी बुधू टे बोलियों पुराने जमाने की गाल आए तो कें मुल्क में एक सौदागर रहंदो हो खिस एकड़ो ही पुट हो जो नालो जफर हो। सौदागर की दिली ख्वाहिश हुई तो संदस पुट व्यापार में दिलचस्पी वठे उन वांगुर सौदागर थे पर जफर की दिल वणज व्यापार से बिल्कुल न लगंदी हुई। निट उन्हीं सौदागर यो फैसलो कयो तो हु पंजे पुट के आलिम कंदो सो उन जफर के एक दूरा ही मुल्क मोकलो तो जी उतां इल्म की जान हासिल करे अचे। जफर पंजे पी के चवण ते बे मुल्क वो साल का पोए वापस आयो। संदस वापसी ते संदस वालिद ढो खुश थो उन पंजे पुट का पुछो त तू परदेह में छा सिखियो आहे। जफर जवाब दिनो त मु परदेह में जानवरन की बोली सीखी है पर यह जानवरन की बोली तुझे कड़े कम इंदी तोखे को अड़ो इल्म सीखण घुर्जे हाँ जो तोखे जिंदगी में कम अचे। सौदागर पंजे पुट के चयो। सौदागर जफर के इहो चई वरी खेस कें बे मुल्क दां मोकलियो। जफर उते भी साल रहो वरी पंजे देह दां मोटी आयो। संदस वालिद वरी खाइस पुछो तो तू छा सीखी आयो आही। जफर जवाब दिनो त आउं हिन दफे जीतन की बोली सीखी आयो आं। सौदागर सफा कावड़ पियो जीतन की बोली सीखण से मानू जो पेट गुजर त नथो थी सके इन जफर के चयो। सौदागर पंजे पुट के वरी कें बे मुल्क मोकलियो खेस तंबीह कयाई तो जेकडे हिन दफे उन को चंगो इल्म न सीखियो तो हु खेस घरा कढ़ी छडींदो। जफर जडे वरी साल का पोए परदेह मां वापस पंजे देह में आयो तो संदस वालिद के या उम्मीद थी तो हाँ जरूर जफर को अड़ो इल्म सीखी आयो हों जैसा वो दुनिया में कामयाब थी सकंदो। पर जदे जफर खेस बुधायो त इन भेरे पखियों की बोली सीखी आयो आया तो सौदागर सफा तपी बाह थी पियो खेस घर में कड़ी छयाई। खेस चयाई हाँ तू तद ही घर वापस वरी सही तो जडे तू कुछ कर दिखारींदे। जफर मायूस थी घर में निकली वो। जफर घर निकली हलंदो वो हलंदो वो हलंदे हलंदे खेस रात पे वही एक अड़े वीरान किले में अची पहुतो। किले जो मालिक भी उन्हीं वक्त बाहर निकरण वारो हो। जफर मालिक का पुछो तो केडा तो वने। मालिक वराण्यो तो इन किले में रात जो रहन खतरनाक है जो रात जो इतने बघेड़ इंदा हैं सजी रात उनाणू कंदा हैं। बघड़न के इन उनाणन सबब ओड़े पाड़े जा मानू भी हलिया व्या हैं तो मता उहे बघेड़ खेन खाई न छड़िन। जफर किले के मालिक के चयो त आऊं किले में रहण लाय तैयार आया जे लाय मुखे एड़ी इजाजत दिनी वने। किले के मालिक खेस घणो ही समझायो पर जफर न मुड़ियो। नेठ किले जो मालिक खेस किले जो चाबियों डेई पाण रवानो थी वियो। जी ही रात थी तो किले के चौधारी बघड़ियन जो वड़ो मेड़ अची गड थियो गड़जी उनाणू करण लगा। जी त जफर जानवरन की बोली जानंदो हो सो हुन बघड़न के सरदार का पुछो त उहे उनाणू छो पिया कन। बघड़न के सरदार जवाब दिनो त इन किले के पहाड़ में पुराने जमाने जो खजानो दफन थियल है जो किले के ठाईंदड़न पैं पोरन लाए गड कयो हो। बघड़ इन्हीं करे पिया उनाणिन तो जेस तई वो खजानो किले जो मालिक न कढ़ तेस तई खेन सुख न इंदो। बे दिन जी किले जो मालिक आयो तो जफर उन सजी गाल बुधाई। किले के मालिक ही जफर गड़ी किले के भित के पहाड़ खोटी तो खेन वाकई भी उते खजानो मिलो। किले जो मालिक ढो खुश थो उन्हें खजाने जो अध जफर के दिनो। जफर खजानो वी निकतो गोठ में अची पहुतो। उन्हीं गोठ जहा मू ढा गमगीन हुआ। जफर खायन पुछो तो ये छो गमगीन आन उन्हें वराण्य तो इन गोठ जो चंगो मुड़स काफ़ी वक्त का बीमार है हकीमन चवाणी संदस इलाज कारे गुलाब के रस से ठयल माखी से थो पर इहा माखी किथा इंदी सा कंखे भी खबर ना है। जफर खेन चयो तो गमगीन न थो आखे हा माखी गोलाए तो दया। जफर उते भरसा बेले में हलो वो उते खेस माखी जो मखियो नजर आई। जी तो जफर जीतन की बोली जानियो तो हो सो इन माखी के मखियों का पुछो तो खेस कारे गुलाब के रस में ठयल माखी किथा मिली। माखी जो मखियों खेस बेले के विच में एक वे वण वी वे उते माखी के मखियों की रानी के जफर सजी गाल करे बुधाई। रानी खेस बीमार मानू लाए थोड़ी माखी खाने की इजाजत दिनी। जफर वह माखी खड़ी वापस उन्हें गोठ में आयो। हकीम या माखी गोठ के चंगे मुड़स के चटाई
तमाखी चटींदे ई उहो शख़्स नो बनो थी वियो। ज़फ़र जी अहिड़ी मदद करण ते इंतिहाई ख़ुशि बि थियो। खेसि हिकु सभाजड़ी धीअ हुई जेका हुन ज़फ़र खे परणाए ॾिनी। ज़फ़र किले मां मिलियलु ख़ज़ानो खणी पंहिंजे कुंवार खे वठी अॻियां रवानो थियो। हलंदे हलंदे हू हिकिड़े शहर में दाख़िल थियो। जीअं हू शहर में दाख़िल थियो त उते खेसि हिकिड़ो कबूतर नज़र आयो जेको पट ते किरियलु हो। ज़फ़र खेसि हथ में खयों। जीअं त हू पखियुनि जी ॿोली ॼाणींदो हो, इन करे हुन कबूतर खां पुछियो त खेसि छा थियो आहे। कबूतर वराणियो त कंहिं शरारती ॿार मूंखे गुलेल सां ज़ख़्मी करे छॾियो आहे ऐं आउं उॾामी नथो सघां। मूंखे शाही महल ताईं पहुचायो वञे जिते मुंहिंजो आख़िरो आहे। ज़फ़र कबूतर जा ज़ख़्म उघिया ऐं खेसि पंजे कुल्हे ते चाढ़े शाही महल ताईं वठी वियो। जीअं ई हू शाही महल में पहुतो त महल जा सभु वज़ीर खेसि विकोड़े विया ऐं खेसि चयाऊं त राति मुल्क जो बादशाह गुज़ारे वियो आहे ऐं पोयां को वारिस छॾे न वियो आहे। सो सभिनी वज़ीरनि इहो फ़ैसिलो कयो हो त शाही महल जो कबूतर जंहिं माण्हूअ जे कुल्हे ते वेहंदो उहो ई मुल्क जो बादशाह थींदो। हाणे उहो कबूतर जीअं त तव्हांजे कुल्हे ते वेठल आहे, तंहिं करे मुल्क जा बादशाह तव्हां ई थींदव। वज़ीरनि ज़फ़र खे आणे तख़्त ते विहारियो ऐं हू मुल्क जो बादशाह थी अदल सां हुकूमत करणु लॻो। संदसि रियत न रुॻो हुन सां ख़ुशि हुई पर जानवर जीत ऐं पखी बि ज़फ़र मां ख़ुशि हुआ जो हू संदन ॿोलियूं ॼाणंदो हो ऐं उन्हनि जा मसाला बि हल कंदो हो। ज़फ़र बादशाह थियण खां पोइ पंहिंजे पीउ वटि वियो। पीउ बि पंहिंजे पुट खे घर मां कढी छॾण ते घणो पछतायो। हुन जीअं ज़फ़र खे ॾिठो त ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं उन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो त हर इल्मु इंसान लाइ फ़ाइदेमंद आहे।